बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक विक्टोरियन इंग्लिश पोएट है, विक्टोरियन एरा से। इस वजह से ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए मशहूर है। इसके मोनोलॉग्स जिन्हें कहा जाए कि ये स्टैंडर्ड हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग कैसा होता है, जो नज़म वो रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिखे हुए ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं। ये जो है माय लास्ट डचेस, ये ड्रामेटिक लिरिक्स में लिखा गया। इसमें 28 राइमिंग कपलेट्स हैं और एम्बिक पेंटामीटर इस्तेमाल हुआ। इस नज़म में जो कहानी बयान की गई है, पहले हम डिस्कस कर लेते ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी नज़म है जिसमें एक शख्स बात करेगा और उसका सुनने वाला एक एक से ज़्यादा कोई भी अशख़ास हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलेंगे। यह ड्रामेटिक मोनोलॉग, मोनोलॉग का वैसे ही मानी होता है कि एक ही शख्स बात करेगा, ये मोस्टली एक तकरीर होती है बस। और इसमें जो दूसरा शख्स जो सुन रहा है, वो जो कर रहा है, वो जो रिएक्शन दे रहा है, वो खुद नहीं बोलेगा, वो खुद हम देख नहीं सकते, वो हम स्पीकर के जरिए से देखेंगे। स्पीकर ही उसे बयान करेगा कि वो बैठ गया है, वो उठ पड़ा है, वो चल पड़ा है, वो बोलेगा कुछ नहीं। और जो स्पीकर होगा वो पोएट खुद नहीं होगा, वो कोई और होगा। इसमें भी कोई और है। इस नज़म में एक बायोग्राफिकल अकाउंट है ड्यूक ऑफ फेरेरा का, जो कि इटली में रहता था, 5th ड्यूक ऑफ फेरेरा, उसका बायोग्राफिकल अकाउंट है। ऐसा कहा जाता है कि ये इस नज़म में उसका बयान किया गया है। उसकी सादा सी कहानी जो इसमें बयान हुई है, पहले हम वो देख लेते हैं। वो ये थी कि ये एक ड्यूक था और इसकी इसने पहले शादी की एक 14 साल की लड़की से, जो 17 साल की उम्र में मर गई। और उसके बाद जब वो दूसरी शादी करने लगता है, तो ये नज़म उस वक्त की है जिस वक्त वो दूसरी शादी के लिए अपने लिए लड़की ढूंढ रहा होता है। उस वक्त वो खुद 25 साल का था और उसने 14 साल की लड़की से शादी की थी। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर वो बयान किया गया है। ड्यूक का नाम है अल्फोंसो डेलेस्ट, और जो उसकी पहली डचेस थी जिसका जिक्र भी है माय लास्ट डचेस, वो लुकेरेसिया डी कोसिमो, वो डचेस है, जो पहली डचेस थी। वो मर गई है और उसके बाद की ये नज़म है, वो कहानी बयान कर रहा है। और जो सुन रहा है वो निकोलस मैंड्रूज है, जो रिश्ता लेके आया था इसके पास, ड्यूक के पास, अकॉर्डिंग टू रियलिटी। और इसमें जो दो किरदार और आएंगे, ये फरायर पेंडोल्फ और नीचे एक आखिर में एक किरदार आएगा, ये क्लॉज ऑफ इनेसब्रुक, ये इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं। जो मंड्रूज है, निकोलस मंड्रूज है, वो भी इनेसब्रुक का ही रहने वाला था। ये इसका पस मंजर है इस कहानी का, जो कि इस नज़म में बयान की गई है। अब हम इसका टेक्स्ट ले लेते हैं। That was my last duchess painted on the wall, looking as if she were alive. अब ये वो एक पोर्ट्रेट है पेंटेड, वो उसके लिए पोर्ट्रेट भी एक मौजूद है जो दिखाया, मतलब कहा जाता है कि ये वो पोर्ट्रेट है जिसके बाद जिससे मुराद ली गई है इस नज़म में। और पोर्ट्रेट भी मौजूद है इसी जजेस का, ये क्रेजिया दी कोजिमो का, ये इटालियन है सारे, वो मौजूद है। तो वो एक पेंट है, वो एक तस्वीर है दीवार पे बनी हुई जिसको वो दिखा रहा है, और ऐसे जैसे वो जिंदा हो, मतलब वो तस्वीर इतनी लाइफ लाइक है, इतनी हकीकत पर मबनी है। वो तस्वीर मौजूद है वो भी ऐसी ही है, अगर आप उसे देखें, वो जो तस्वीर मौजूद है वो भी ऐसी ही है। आई कॉल दैट पीस ऑफ वंडर, मैं इसे एक शाहकार मानता हूँ, मैं इसे शाकार बुलाता हूँ। फेर पेंडोल्स हैंड, ये फेर फ्रायर को छोटा करके लिखा गया है, फ्रायर पेंडोल्स हैंड, कि ये उसका बनाया हुआ काम है। वर्कड बिजली अ डे, उसे तस्वीर बनाने में एक दिन लगा था। एंड देयर शी स्टैंड्स, और ये रही तुम्हारे सामने वो खड़ी, यानी कि जो उसने बनाया था वो तुम्हारे सामने है। उसे एक दिन लगा था ये बनाने में, और जो उसने बना लिया था वो ये तुम्हारे सामने है। ये उसको कह रहा है, लिस्नर को। लिस्नर कौन है? वो जो
हिस्ट्री के मुताबिक ये निकोलस मेंडूस है, और जो इसमें लिसनर है, जो हर ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता है वो लिसनर, उसे वो बता रहा है। विल्ट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, क्या तुम बैठोगे और उसकी तरफ देखोगे, यानी तसल्ली से बैठो और उसकी तरफ देखो। विल्ट यानी विल नॉट, क्या तुम नहीं बैठोगे और देखोगे। आई सेड, मैंने कहा, प्रायर पेंडोफ बाय डिजाइन फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड कॉन्टिनेंस। जो फरायर पेंडोफ है वो जो उसका अपना काम है, जो उसका जो उसका जो हुनर है, उसका जो डिजाइन है, वो स्ट्रेंजर्स को समझ में नहीं आता। नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड कॉन्टिनेंस, वो जो शक्ल उसने बनाई है कॉन्टिनेंस उस तस्वीर में, वो ऐसे ही अजनबी वो समझ में नहीं आती। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, कि उसकी जो गहराई और जो जुनून और जो जज्बा है उसके अर्नेस्ट ग्लैंस का, देखने वाले की संजीदा तरीन निगाह का, वो सिर्फ उसी को नजर आएगा जो उसको उस एक अर्नेस्ट ग्लैंस के साथ देखेगा। अगर कोई अजनबियत के साथ देखेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा। बट माई सेल्फ दे टर्न्ड, कि मगर मुझे वो समझ आते हैं। क्यों समझ आते हैं? सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, चूंकि और कोई ऐसे पर्दा नहीं लगाता, आई हैव ड्रॉन फॉर यू, जो मैंने तुम्हारे लिए हटाया है। तो उसने कहा है पीछे, बट टू माई सेल्फ दे टर्न, लेकिन मुझे ये समझ में आते हैं, मुझे पैशन है, उसने ऊपर डिस्कस किया है पैशन एंड डेप्थ ये। And seems as they would ask me, और जैसे वो मुझसे पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो, if they darest, darest मैनी dare, सेकेंड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होता था पुरानी जबान, पुरानी अंग्रेजी में, if they darest, how such a glance came there, जैसे वो मुझसे पूछ रहे हो कि ये जो ग्लांस, ये जो नजर आ रहा है, जो शक्ल बनाई गई है, ये जो उसका तासुर है काउंटर्स का, ये कैसे आया, जैसे वो मुझसे पूछ रहे हो ये कैसे आया। नोट सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क थस, तो अगर आप मेरे से ये पूछते हैं तो आप ये पहले नहीं होंगे। सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंट, जनाब ये उनके शोहर की मौजूदगी की वजह से नहीं आया था, वो जो ग्लांस जो उस वो जो डचेस की जो चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो उसके शोहर की मौजूदगी की वजह से नहीं आए थे। कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक, वो जो एक जो स्पॉट है यानी वो जो उसके स्माइल की वजह से उसके जो गालों में जो बना है, दैट स्पॉट ऑफ जॉय, खुशी का जो एक स्पॉट एक निशान बना है, यानी अक्सर लोगों के मुस्कुराते वक्त एक टिम्पल पड़ता है, तो वो जो पड़ा है वो डचेस की चीख में, वो इस वजह से नहीं पड़ा कि उसका हस्बैंड वहां मौजूद था। परहैप्स फ्रायर पेंडोर्फ चांस टू से, शायद जो फ्रायर पेंडोर्फ है वो उसने ये कहा हो, क्या कहा हो, हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्क टू मच, उसने क्या कहा, उसने कहा कि वो जो चादर है वो लेडी यानी डचेस की कलाई पे बहुत ज्यादा आ गई, यानी उसमें वो ढक रही है, तो उसने कहा हो जैसे कि इसे हटा दो, तो जिस हटाने की वजह से उसने मुस्कुरा दिया हो, यानी ये बात उसे भाग गई हो, अच्छी लगी हो। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द पेंट, या फिर वो जो पेंट यानी जो उसने इस्तेमाल किया है उसको बनाने के लिए, शायद वो दोबारा उसको उस खूबसूरती का पैदा ना कर सके, वो जो खूबसूरती पहले थी मतलब उसकी जो असल मुस्कुराहट में थी, शायद वो जो पेंट है वो उसको दोबारा से पैदा ना कर सके। क्या लफ्ज है, नेवर होप टू रिप्रोड्यूस पेंट, यानी वो जो खुशबू जो उसकी थी, वो जो उसकी बू थी, वो जो उसकी एसेंस थी, वो शायद दोबारा ना पैदा कर सके। हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, सच स्टफ वाज कर्टसी, ये जो वो करती थी मतलब मुस्कुरा देना, ये उसके नज़दीक इखलाकियात थी, अच्छा इखलाक था, कर्टसी थी, शी थॉट, वो ये सोचती थी कि जी वो कर्टसी है।
and cause enough for calling up that sport of joy. और उसके लिए काफ़ी होता था कि ये कर्टसी के लिए यानी लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आने के लिए मुस्कुरा दिया करती थी, उसके लिए ये काफ़ी होता था. शी हैड अ हार्ट, उसके पास एक दिल था. हाउ शैल आई से, यानी मैं ये कैसे कहूँ कि वो उसके पास दिल था, यानी मैं कैसे कहूँ कि वो दिल की नरम थी. वो किसी के भी आगे मुस्कुरा देती थी और किसी भी खुश हो जाती थी. आगे यही आएगा, टू सोन मेड ग्लैड, यानी बड़ी आसानी से खुश हो जाती थी. टू इजिली इम्प्रेस, बड़ी आसानी से मुतासर हो जाती थी. शी लाइक्ड वट एवर शी लुक्ड ऑन, वो हर उस चीज़ को पसंद कर लेती थी जिसको वो देखती थी. एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और वो हर जगह निगाह डालती थी, यानी कि उसने तकरीबन हर चीज़ को देखा और तकरीबन हर चीज़ को पसंद किया. ये जेलसी के एलिमेंट्स हैं, ये आगे वो एक्सप्लेन करेगा कैसे. सर टिस वॉज ऑल वन, माय ये सब कुछ एक ही था, यानी उसके लिए ये सब कुछ एक आम सी बात थी. और यानी हर चीज़, यानी मैं हूँ, यानी कि उसके लिए ड्यूक या आम लोग एक ही बात होती थी. माय फेवर एट हर ब्रेस्ट, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, द बोज ऑफ चेरी, सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन ऑर्चर्ड फॉर हर, द वाइट म्यूल शी रोड विद अराउंड द टेरेस, ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच. तो उसने कहा, उसने मिसालें दी हैं इस चंद लाइनों में जिसको मैंने यकदम पढ़ा है. इसने उसने मिसालें दी हैं कि ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसने सबको एक ही जैसा ट्रीट किया. क्या क्या हुआ उसमें? उसमें ये हुआ जी, माय फेवर एट हर ब्रेस्ट, वो जो उसकी तारीफ करता था, जो उसके साथ मामला करता था ड्यूक डचेस के साथ, वो ड्रॉपिंग ऑफ डे लाइट इन द वेस्ट, वो जो गुरूब की खूबसूरती होती है देखने में, इंसान निकल के बाहर देखा तो सूरज गुरूब हो रहा था, तो वो जो एक सर्टन ब्यूटी है उसके बारे में भी उसका वही रवैया था, जो वो जो मोहब्बत का इजहार था ड्यूक डचेस के लिए, उसमें भी ये दो हो गए. द बो ऑफ चेरी, सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, वो जो बो ऑफ चेरीज था, यानी चेरीज का एक गुच्छा जो कि किसी बेवकूफ ने तोड़ा था, किसी बेवकूफ ने उसके तोड़ा था, उसने उसके लिए भी वही मामला किया. तीन हो गए. द वाइट म्यूल शी रोड विद अराउंड द टेरेस, वो जो म्यूल यानी वो जो खच्चर है, म्यूल होता है जिसमें उसका बाप गधा हो और माँ घोड़ी, तो वो म्यूल जिसमें उसने टेरेस का चक्कर लगाया था उसके बारे में, उसके साथ भी उसका वही रवैया है. ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, यानी सबकी वो एक ही तरह से तारीफ करती थी, एक ही तरह से सबको सराहती थी और ब्लश या ब्लश करती थी. एट लीस्ट शी थैंक्ड मैन, कम से कम उसने लोगों का शुक्रिया अदा किया, मर्दों का शुक्रिया अदा किया. गुड, बट थैंक्ड सम हाउ आई नो नॉट, और इस तरह शुक्रिया अदा किया कि मैं नहीं जानता. एज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम विद एनी बॉडीज गिफ्ट, जैसे उसने मेरे 900 साल पुराने नाम को उसने किसी भी शख्स के तोहफे के साथ के बराबर कर दिया हो. जो जेलसी का एलिमेंट है इसमें थ्रू आउट यहाँ आगे खुलना शुरू हो गया है. तो उसको ये एक ड्रेड था कि मैं इतना, मेरे पास एक बैकिंग है, मेरी एक फैमिली बैकग्राउंड है, 900 साल पुराना है और मैं एक ड्यूक हूँ, तो उसके बावजूद मेरे साथ वो उस तरह मामला नहीं करती है जिस तरह उसे करना चाहिए. वो मुझे भी बाकियों की तरह, कॉमनर्स की तरह ट्रीट करती है, ये उसे नहीं करना चाहिए. मेरा नाम और किसी भी आम से शख्स का कोई तोहफा एक ही बात है. हु वुड स्टॉप टू ब्लेम दिस शॉर्ट ऑफ ट्राइफलिंग, कौन इस किस्म की मुदाखलत के साथ जो है वो मामला करता है, कौन इस ऐसी हमाकत या ऐसी गुस्ताखी के साथ को दरगुजर करता है. इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, और वो दूसरे उससे पूछ रहा है क्या तुम बोलने में इतने अच्छे हो, ये वो वाला आ गया, वो जो गुफ्तगू हुए अंदाज होते हैं, इंसान बातों से कैसे किसी का दिल मोह लेता है या अपनी बात मनवा लेता है या मशहूर या अपनी अपना पैगाम पहुंचा देता है. ड्यूक का यही मसला यहाँ साबित होता है कि ड्यूक जो था वो बोलने में कमज़ोर था और वो अपनी बात नहीं कन्वे कर पाता था, जिस वजह से ये सारे मसाइल जो उसने ऊपर डिस्कस किए हैं वो हुए.
कि वो फ्रायर के सामने या लोगों के सामने या म्यूल के सामने, वो जो फूल के सामने, वो या ग्रुप के सामने, वो एक ही जैसा मामला कर रही थी। ये उसने कहा है, वो उसे समझा ही नहीं पाता था कि ऐसा ना करो, मेरी सुन लो, यहाँ ये बात समझाई गई है। फिर से देखते हैं, have even had you skill in speech which I have not, जो मेरे पास नहीं है, so make your will quite clear to such an one, to make your will quite clear, ताकि अपनी बात जो अपनी जो चाह है, जो आप चाह रहे हैं, वो आप वाजे तौर पे बयान कर सके, to such an one, किसी ऐसे के सामने, किस ऐसे के सामने, वो जो लास्ट डचेस थी उसके सामने, ऐसे किसी के सामने, एंड से जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्कस मी हेयर यू मिस, इनके ये जो तुम कर रही हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी वो नहीं कह पाता था, अगर कह पाता तो मसला हल हो जाता शायद, और देयर एक्सीड्स द मार्क, यहाँ तुम हद से बढ़ रही हो, वो डचेस को कह देता तो मसला हल हो जाता, वो नहीं कह सकता था, ये उसका एक रिग्रेट है। एंड इफ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन, सो अगर वो खुद को मतलब मान भी लेती है ना कि ठीक है उसने उसे ये नहीं करना चाहिए, उसे जरा हाथ रोकना चाहिए, उसे जरा हद में रहना चाहिए, उसके बावजूद वी नोर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, और ना ही वो अपनी अकल को अपने अकल के घोड़े रोक के मेरी अकल पे चलती थी, फॉर सुथ एंड मेड एक्सक्यूज, और वो कहती थी कि इसका बड़ा फायदा होगा बाद में जो मैं कर रही हूँ, और बहाने बनाती थी, यानी वो उसके समझे ना हिल्लत और हुज्जतें पेश करती थी सात अल्फाज में, जो ड्यूक को ये वो भी पसंद नहीं है, उसके नज़दीक ड्यूक के नज़दीक उसकी अकल अकल कुल है, और वो जो डचेस की अकल है वो बेकार है, तो वो कह रहा है कि वो हीले बहाने बनाती थी, हिज्जतें गुल्लत पेश करती थी कि नहीं जी इसका फायदा होगा वगैरह वगैरह वगैरह, ड्यूक कह रहा है कि वो गलत थी, उसे ये नहीं करना चाहिए था। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, यानी अगर ऐसे मौकों पर भी अगर कहीं पे मेरा झुकना बनता होता था, लेकिन उसके बावजूद मैं कभी नहीं झुका, आई चूज नेवर टू स्टूप, मैंने कभी झुकना कबूल नहीं किया। ओ सर शी स्माइल्ड, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि वो मुस्कुराती थी, मतलब वो ऐसा नहीं कि वो मतलब नाराज हो जाना या बुस हो जाना, वो वाला मामला नहीं था, लेकिन वो खुश रहती थी। मैंने हमारा पास था, जब भी मैं उसके पास से गुजरता था, उसके पास होता था, इससे मुराद है, बट हु पास्ट विदाउट मच सेम स्माइल, लेकिन जब कोई और भी होता था तब भी वो ऐसे ही मुस्कुराती थी, यानी उसने कोई फर्क नहीं किया, वो ऊपर वाली बात। दिस ग्रू आई गेव कमांड, जब ये बढ़ गया, आई गेव कमांड, मैंने हुक्म सादिर किए, मैंने फैसले सुनाए, then all smiles stopped together, वो जो मुस्कुराहट थी वो रुक गई। यहाँ हम थोड़ा सा हिस्ट्री में फिर से आ जाते हैं, वो वहां आता है कि दो साल उसने उसकी मौत से पहले, डचेस की मौत से पहले दो साल उसने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी, उसके बारे में उसके कुछ दुश्मनों का भी ये भी राय है कि उसने जहर दिया था, ड्यूक ने डचेस को जहर दिया था, यहाँ पे वही मामला है। आई गेव कमांड एंड देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, वो जो मुस्कुराना था दूसरों के लिए और उसके लिए और सबके लिए वो रुक गया। देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, वो तस्वीर में ऐसे खड़ी है जैसे जिंदा हो, यानी चूंकि वो हकीकत में मर चुकी है, तो वो समझ रहे हो उसके मुताबिक वो जैसे तस्वीर के अंदर कैद हो गई, और उसने यही किया टेक्निकली, वो उसे बाउंड करना चाहता था और उसने किया, अब वो तस्वीर में बाउंड हो गई है, तस्वीर में ही जिंदा है। विल्ट प्लीज यूर आइज, अब वो यहाँ कह रहा है कि आप उठेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे, यानी अब वो कह रहा है कि वापस चले, वी विल मीट द कंपनी बिलो, देन अब हम नीचे चलते हैं और नीचे जो लोग बैठे हैं उनसे मिलते हैं, यानी मान लो कि बड़ा सा कोई महल है और नीचे जो मेन कमरा है, लिविंग रूम है, उसमें मेन मेहमान बैठे हुए हैं, और ड्यूक जो है वो एक वो जो रिश्ते कराने वाला है उसको लेके ऊपर आया है, और ऊपर एक कमरे में वहाँ वो तस्वीर है, वो कह रहे हैं कि हम नीचे जाएंगे और उनसे मिलेंगे। आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नॉन मैग्निफिसेंस इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड, वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि काउंट जो तुम्हारा मास्टर यानी तुम्हारा मालिक यानी तुम्हारा जो आका है वो उसकी जनरोसिटी मैग्निफिसेंस यानी वो अमीर है और एम्पल बहुत ज़्यादा है बेंटीफुल है जनरोस गनी है और एम्पल उसकी बहुत ज़्यादा है उसकी सहावत बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैं उससे मांगता हूँ
जयेश तो वो देगा। So his fair daughter self, as I avowed and starting in my yakne, we will go or together down. तो ये जो अब जिसे शादी होने वाली है उसकी जो जात है डॉटर सेल्फ, उसके बारे में वो कह रहा है कि वो उसका ऑब्जेक्ट है यानी उसका मकसद वो है, लेकिन फिर भी उसे लालच है कि उसे वो डाउरी मिले, उसे वो जहेज मिले। वी विल गो टूगेदर डाउन, सर हम इकट्ठे नीचे जाएंगे। नोटिस नेपच्यून थ्रू टेमिंग अ सी हॉर्स। तो ये नेपच्यून जो है वो एक रोमन गॉड है, ये पोसाइडन का वो पैरेलल है, ग्रीक में पोसाइडन है और रोमन में नेपच्यून है। नेपच्यून यानी सी का गॉड है और ये टेमिंग हॉर्स सी हॉर्स, वो सी हॉर्स पे सवारी किया करता था, उसके रथ किस्म की उसकी एक सवारी होती थी जिसमें सी हॉर्सेस लगे होते थे। हॉर्स अगर ऊपर होगा, सी हॉर्स अगर पानी में होगा, सी हॉर्स इनको टेम कर रहा है, टेमिंग सी हॉर्स को टेम कर रहा है, उसे सुधार रहा है, सिखा रहा है। थ्रू अ रेरिटी, दो अ रेरिटी यानी ये बहुत कम होता है, विच क्लाउस ऑफ इनिसब्रुक कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी। ये ब्रॉन्ज से मुराद है स्टैचू है वो, और क्लाउस ऑफ इनिसब्रुक कोई स्कल्पचरिस्ट है जिसने उसको ये नेपच्यून को बनाया है, नेपच्यून का उसने स्टैचू बनाया है ब्रॉन्ज में और वो उसे तोहफे के तौर पर दिया है। ये उसकी वो शो कर रहा है उसके जो इंटरेस्ट है। ये है माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग।